हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान रोहिल और आज के हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ है हमारी आदरणीय दादी जी श्रीमती कमला देवी। दादी जी, सबसे पहले जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में पढ़ाई की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई के बिना तो आज की दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पहले के लोग भी पढ़ाई के बारे में यही सोच रखते थे? पहले के बारे में यह सोच कौन थी, बच्चे स्कूल में जानते घरे आ जाते मास्टर भी नहीं को रख दे, माँ बाप भी खुश हो जाए, बच्चा घर आया काम करता बड़ा काम करा, दो दिन छुट्टी और मांगने बड़ा काम करांगी। और लड़कियों तो बेटी जमाई को बिल्कुल कोई मत नहीं करते, लड़कियां तो घरे काम करवाया करते, क्या करें लड़की पढ़ के लड़कियों के नौकरी ना बना कर बचाई को बड़ी गिरने तो लड़कियां जी जमाई को नहीं करती बेटी, एक दूसरे से भी कौन सी बेटी पढ़ा नहीं पा। दादी जी, आपका भी मन करता होगा पढ़ने का या स्कूल जाने का, बट फिर भी आज अगर आप स्कूल जा रही होती या बचपन में स्कूल गई होती तो आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते थे और आपके सपने क्या होते? बेटी पास तो इतना स्कूल था, पास तो पढ़ी आगे स्कूल भी कौन था, घर के भी किन्ने वाला है, मन करे पढ़ना है पूरी पढ़ा पूरी पढ़ाई है लगन करे कर दी, पढ़ाई में किन्नों से आती आ रह गया, मेरा सपना तो अधूरा रहेगा, मन भी मन में रहेगी एक जो पूरी पढ़ी होती तो बच्चा ने भी खूब पढ़ा दी, पोता पोते ने भी खूब पढ़ा दी, जो मन की इच्छा थी तो मन में रहेगी पूरी कर नहीं हो पाई। दादी जी, पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर है? इनकी पढ़ाई में पहला की पढ़ाई में तो बेटी बहुत अंतर है, ये तो बच्चा नशा पहला तो पक्की कचरा कर जाने देंगे, एक तख्ती जा देंगे कलम घरे बना देंगे दुआ जा देंगे उस तरह दिखे देंगे माटी तक कर पोच देंगे बेटी भी को जाके देंगे पूरी पूरी बच्चा को, अरे ये तो सारी तैयारी करिए माँ बाप की तैयारी करे मास्टर भी देखा पूरी कॉपी किताब पैर सारी सुविधा बहने माना बहने मजाना टिफिन तैयार करने सारी तैयारी करिए माँ देखेगी दादी की माँ कोई कोई सुबह में बिठा गया होगा फिर उन्होंने ब्याह रखे ट्यूशन ला रहेगी तो बहुत अंतर है बेटी। दादी जी, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है कि लोग अपनी मातृभाषा यानी हिंदी उसको भूलते जा रहे हैं, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देना चाहूंगी अपनी हिंदी भाषा मत भूलो, इंग्लिश किसी को बाहर जाओ वहां से इंग्लिश की जरूरत पड़े है और अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें बिल्कुल मत भूलो, मैं यही कहना चाहूंगी। दादी जी, चूंकि हम हरियाणा में रहते हैं और हरियाणा में एक कहावत भी है कि जितने दूध दही का खाना ईसा इंदी मारा हरियाणा, तो आप इस कहावत के बारे में अपना क्या तर्क देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहला तो अन्न में त्यागत होती दूध घी में भी त्यागत होती तो पहला त्यागत का सोचा था इसको दूध में उनको घी में अन्ना कच्चे खा दे रहा जी, पहला कढ़ाऊ खीरो बना कर दे तो अन्ना बना बना लुआ माल तो दूध तीन तीन दिन तक खाए जाते वो सेहत तक असर तो बना तो जो बच्चे जा पहुंचे तो बच्चे तो जमा ही बनता बच्चे का बीजा भरा समोसे कचोरी ये कौन बच्चे को पता क्या बताओ थी, पहला खेलिए कर दे कबड्डी खेलिए कर दे पहलवानी लड़े कर दे, आज का तो इसको इन्हें चला दिया वो टिप जी मैं फलानेगा मैं ये देखे जा सारे नाम ही बोले बेटे में खेलने आगे है तो बच्चे उनका ध्यान रखा तो आप भी करना होगी बच्चे में। दादी जी, ये तो चलो खान पान की बात, बट फिर भी हरियाणा में आज खान पान के अलावा और ऐसी कौन सी कमी है जिसे देख के आपको दुख होता है और आप सोचते हो ये चीज सुधर जाए तो ठीक ही है? आज पहला तो यही प्रश्न है बेटी मेरा, आजकल के बच्चे जिद कर रहे हैं गाना को माना हट कर लिए गए है तो इनको खड़ा चीज चाहिए तो माँ बाप जाके देनी पड़ेगी पढ़ते ही जाएगी। दादी जी, आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूंगी जिद ना करो, माँ बाप का खड़ा मानो, दादा दादी का खड़ा मानो, बू बेटी भी माने भी इज्जत होता रहे आपका माँ बाप का आपका परिवार का नाम रोशन करे, मैं यही कहना चाहूंगी बुए ने भी बेटिया ने भी छोटे मोटे ने भी सारी यही शिक्षा देना चाहूंगी, ये शिक्षा के लिए मान जो बू जगह मान है चाचू पहले ढंगता है हमने। दादी जी, धन्यवाद, आपने बच्चों को सलाह दी और इस इंटरव्यू में हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।